ब्रेकिंग न्यूज, किसानों की समस्या को लेकर जनअधिकार पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। माधवगढ़ जलोन। जनअधिकार पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ किसानों व जनता की मांगों को लेकर राज्यपाल व राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पर एसडीएम को सौंपकर जनहित में मांगे पूरी करने की मांग की है। सोमवार की दोपहर तहसील माधवगढ़ के उप जिलाधिकारी सालिग्राम को देते हुए जिला प्रभारी अजीम खान, हिम्मत बहादुर सचिव हरि भाई, वीर सिंह कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, रघुवेंद्र परिहार, विष्णु राठौर जिला महासचिव, देवकी नंदन सचिव आदि लोग मौजूद रहे। माधवगढ़ तहसील रिपोर्टर अमर नागर की खास रिपोर्ट। सर आपका नाम? जी मेरा नाम कृष्णा सिंह कुशवाहा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ और उसके साथ साथ बुंदेलखंड के सात जिलों के संगठन का काम देख रहा हूँ। प्रभारी बनकर आया हूँ। माननीय मंत्री जी के आदेशा अनुसार उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी दी है और यहाँ के सभी पदाधिकारियों के सभी से पदाधिकारियों को लेकर मैं सब लोगों को काम कर रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि बुंदेलखंड को बेहतर बनाने का काम किया जाए, पार्टी को मजबूत बनाया जाए। सर आप ये कुछ 15 नीतियों के बारे में कुछ विवरण बताएंगे? सर 15 नीतियों के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने सारा विस्तार से बताया और मैं जो किसानों के मुद्दे हैं जो हमारी पार्टी